सिद्धार्थ, आयुष्यो हम प्रणव को अपने साथ नहीं लेकर जा सकते? कहाँ लीव हम अलोन? रेनो, दिस इज एन एक्सीडेंटल डेथ। प्रणव पर बुरा असर पड़ेगा। तो वैसे ही हम लोग जल्दी तो आ ही रहे, नहीं? प्रणव, तुम्हारे पापा और मुझे 2 दिनों के लिए बाहर जाना है। सुमित के पापा बहुत बीमार हैं। But you have to be a good boy, कमला की बात मानना और धूप में ज्यादा मत खेलना, ओके? मैं रात को तुम्हें फोन करूंगी। प्रणव, मैं बाजार जा रही है सामान लाने को, तेरे को चलने का है मेरे साथ? दीदी बोली थी तेरे को घर पे अकेला नहीं छोड़ने का। नहीं, मुझको नहीं चलना। आइसक्रीम मांगता है तो चल। रुको कमला, मैं अभी आता। मेरा वाला ज्यादा अच्छा। अच्छा चीकू, क्या है ये तेरा छोटा पंटर को क्यों साथ में लेके आई? कहाँ छोड़ती से मैं? अरे मेरे को तेरे से अकेले में मिलने का था ना। चुप रहना, ये कुछ करती है रे। प्रणव बाबा, तेरे को और आइसक्रीम मांगता है? नहीं, मेरा पेट भर गया। पचास लाख चीकू, तू है ना आज एकदम आइटम लग रही है। चल यार। अच्छा सुन ना। सुना ना। तू आज शाम को खा रहा है ना? क्या? मैं तेरे लिए चिकन बना के रखेगी। अच्छा, बटर चिकन खाएगा? अरे जो तू खिलाएगी मैं खाऊंगा ना। अंकल, अंकल, अंकल! अरे प्रणव, प्रणव! तू बैठ ना, बैठ ना। क्या है पार्टनर, यहाँ क्या कर रहे हैं? वो साहब, हम लोग शॉपिंग के वास्ते आए थे। अंकल, आप आइसक्रीम खाएंगे? नहीं बेटी, काम पे जाना, देर हो रही। अंकल, मैं आपके साथ चल सकता हूँ? मम्मी डैडी? वो साहब, प्रणव के मम्मी पापा तो दिल्ली गए। ओके। प्लीज अंकल, मैं आपके साथ आ सकता हूँ? प्लीज कमला, इन्हें समझाओ ना। चीकू, जाने देना उसको। ठीक है, लेकिन जल्दी घर वापस आना। हाँ। चलो। और प्रणव, मैं शाम तक ही घर लौटेगी। हाँ ठीक है, चल चल। तो आज शो हो जाए। क्या कहूँ क्या कहूँ, सारे मेरा प्यार बन गए। झूमते चले हमको मिल गए प्यारे प्यारे पल 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 पल। प्यारी ये जमीन प्यारा आसमान, आज इनको मिलने दो मिलने दो मिलने दो। चिंतनु चिंतनु, ये सितारे यार बन गए। बस सर, सुनाई की तैयारी कर रहे। वो सब छोड़ो और हमारे पार्टनर के लिए मिल्कशेक विल्कशेक ले आओ। श्योर सर, अभी करता हूँ। क्या स्टेटस है केस का? सर, वो मिस्टर पटेल कॉम्प्रोमाइज करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। केस मुझे पागल बना देगा। रेट डिप्रेसेस मी। ऐसे कैसे लोग हैं? अच्छा सर, ये अपने मजिस्ट्रेट साहब की रिटायरमेंट पार्टी का इनविटेशन है, आप जाएंगे? तुम लोग जाओ। कैरेट जूस नहीं तो इतना जाड़ा ग्लास, ओके? Loads of carrot juice. Otherwise, you can't see. Sir, please जल्दी करना होगा, मेरे स्टेट साहब आते ही होंगे। हाँ यार, क्या टाइम हो? चलो पार्टनर, लेट्स गो। पटेल साहब, आपकी शादी को कितने साल हुए? जी 12 साल। 12 साल के बाद आप अपनी पत्नी से डिवोर्स लेना चाहते हैं? जी हाँ। क्यों? वो एक अनफिट वाइफ है और मैं कभी भी उसके साथ खुश नहीं रह सका।
12 साल और 2 बच्चे के बाद आपको जाकर पता चला कि वो अनफिट वाइफ है। जी मैं अब तक तो उसे सहता रहा, लेकिन अब और आगे बर्दाश्त करना मुश्किल है। बर्दाश्त करना इसलिए तो मुश्किल नहीं कि आप अपनी सेक्रेटरी के साथ इश्क लड़ा रहे हैं। ये मेरे क्लाइंट की साफ सुथरे इमेज पर खामखा दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। सॉरी योर साहब, आपकी छोटी बेटी का जन्मदिन कब है? मेरा ख्याल है 14 नवंबर 1994। Are you sure? नहीं, 1995। हाँ, sure, 1995। Are you sure, Mr. Patel? नहीं, 1994, 95 नहीं, whatever. Exactly. आपको अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं मालूम, उनकी छोटी छोटी जरूरतों के बारे में कुछ नहीं। सिर्फ पैसे दे देने से सब कुछ नहीं होता। सुना है पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन प्यार नहीं। घर तोड़ना आसान है, मगर उसे जोड़ना बहुत मुश्किल है। आप दोनों अपने झगड़ों के बीच में इन मासूम जानों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं आपसे अर्ज करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने फैसले पर विचार करें। अगर उन्हें मेरे डिवोर्स देने से इतनी ही खुशी मिलती है तो ठीक है, इनकी खुशी के लिए मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। अंकल, डिवोर्स का मतलब क्या है? जब हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ में नहीं रहना चाहते तो वो डिवोर्स देते। पर वो साथ में क्यों नहीं रहना चाहते? जब एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, या एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, या एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, या फिर एक दूसरे से बोर हो जाते। पर वो डिवोर्स के लिए आपके पास क्यों आते हैं? तो मेरा काम है, मैं लॉयर हूँ, आज देखा नहीं कोर्ट में? पार्टनर, मेरे को लगता है कि अपनी दोस्ती का डिवोर्स देना पड़ेगा। क्यों? तुम्हारे मम्मी पापा नहीं चाहते कि हम दोनों दोस्त बने रहें। पर मुझे तो आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। वो तुम्हारे मम्मी पापा है, वो तुम्हारे अच्छे के लिए सोचते हैं। यू शुड बी अ गुड किड, यू शुड स्टडी मोर। मेरे यहाँ आकर कैरम खेलना, मेरे साथ घूमना फिरना, मतलब ये फोकस ऑन यू नो व्हाट मामा पापा से। ओके ओके अंकल, मुझे डिवोर्स मिल सकता है? अरे बुद्धू, तेरी शादी नहीं हुई अब तक और तू डिवोर्स की बात कर रहा है, बहुत टाइम है, टेंशन क्या है? मुझे अपने मामा पापा से डिवोर्स चाहिए। और किसकी गलती है? तुम्हारा मेरे बेटे से क्या लेना? Stay away from. I don't want any bad influence on my kid. Is that clear? रहने दो सिद्धार्थ, ये क्या समझेंगे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज? प्लीज लेट्स गो। शाबाश, बहुत अच्छी बात बोली आपने। ये बड़े रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं ना, इनको सब मालूम है। इनका बच्चा कब स्कूल जाता है, कब स्कूल से लौट के आता है, कब बेड पे सोता है और कब यूं ही बेचारा सीढ़ी के ऊपर भूखा सो जाता है। बड़े रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं आप लोग। बहुत अच्छा। सिद्धार्थ,
क्या कर रहे हैं आप? कुछ फायदा है इन लोगों से बात करने का? चलिए प्लीज, चलिए चलिए प्लीज। Jack, I feel sad for the boy. आप कैसी बातें करते हैं वेद जी? नहीं मिस्टर सिद्धार्थ, आपको आपको इस तरह प्रणब पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, और वो भी सबके सामने। देखिए प्रणब एक सेंसिटिव बच्चा है, इससे इससे उसके दिमाग पर गलत असर पड़ सकता है। मैं भी नहीं चाहता कि प्रणब पर हाथ उठाऊं। After all, he's my son. पर जब भी मैं उसे उसे उस इंसान के साथ देखता हूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। What aggression, man. What aggression? उसने अपने बच्चे को मारा मैन। Crazy man, I feel guilty, man. बगल एक जिसमें तुम्हारा दोष नहीं है। अरे यार, उसके माँ बाप ने बोला बच्चे से मत मिलो और मैंने मान लिया। मासूम का चेहरा देखता हूँ तो ना तुम, I just can't take it, man. I mean, it's not fair, man. क्या है? मुझे लगता है कि वो बच्चा तुम्हारी वीकनेस बन गया है, है ना? क्या है यार, बच्चा है यार। What behavior, man? सिद्धार्थ, मुझे भी नहीं लगता कि तुम्हें प्रणव को सबके सामने मारना चाहिए था। I know. I think you should go and apologize to him in the morning. आज प्रणव कोर्ट में आया था, वहां की बातें सुनकर कहने लगा उसे भी डिवोर्स चाहिए आपने मम्मी डैडी से। So sad, yeah. It was really so sad. उस बेचारे के छोटे से दिल ने ना जाने कैसी कैसी बातें सोच लिया। You know, ये आजकल के माँ बाप है ना, इस साल अपना करियर बनाने के चक्कर में ऐसे अंधों की तरह दौड़ते रहते हैं। जिंदगी का हिसाब किताब बहुत महंगा हो गया है दोस्त। बड़े शहर मुंबई जैसे शहर में अगर जीना है एक स्टैंडर्ड के साथ तो मियाँ बीवी दोनों को काम करना पड़ता है दोस्त। हाँ, वो तो मैं तेरी बात मानता हूँ, लेकिन अच्छी परवरिश और अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत फर्क है बाबा। ये आजकल के पेरेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं दोनों इश्यूज को। अभी अच्छी परवरिश का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि बच्चे को बहुत अच्छे कपड़े में ढाक दो, उसे बढ़िया से स्कूल में कैद कर दो। आई थिंक मैं टोटली मिसिंग द पॉइंट। बच्चे के साथ वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है बाबा, दे डोंट अंडरस्टैंड इट। अभी प्रणव का बाप कभी उसके साथ खेला होगा नहीं ना, इसीलिए वो बच्चा तेरे पास आता है दौड़ के। जय, मेरा भी बचपन कुछ प्रणव की तरह ही बीता, इसलिए मैं उसका दर्द समझता हूँ। एम्बिशियस मैं भी अकेले बने था, एम्बिशियस पेरेंट्स, किसी को पता ही नहीं चला कब पढ़ा क्या लिखा कब बड़ा हो गया। क्योंकि वो तुम मशीन की तरह अपना करियर बनाने में ही इंटरेस्टेड थे। और फिर एक दिन मेरे जीवन में आई मोना। सीधी सादी साधारण लड़की, शी वाज अ सिंपल स्वीट लविंग गर्ल। हम दोनों की ट्यूरिंग बहुत अच्छी हो गई। सून वी वर इन लव, वी जस्ट पेंटेड द होल ब्लडी टाउन रेड। पता नहीं किसी की नजर लगती है शान शौकत और झूठे दिखावे के सामने साधारण पण हल्का पड़ गया। यू नो, द मोमेंट माय पेरेंट्स रियलाइज कि मोनल एक गरीब खानदान की है, दे जस्ट रिजेक्टेड। टेक इट इजी ब्रदर।
मैं कुछ कर नहीं सका जैक। इससे पहले कि मैं मोनल से कुछ बात कर वो मुझसे बहुत बहुत दूर चली गई। उसने खुदकुशी कर Hey bro, hey bro, take it easy. Hey Baba, take it easy. Take it easy, yeah, Baba, take it easy, bro. Take it easy, easy. The one person I loved. Take it easy, yeah, take it easy, Baba, easy. Huh? God is a sadist, Jack. God is a sadist. Hey, calm down, man. Calm down. Relax, bro. Relax. The nurse. Jack. I load everything onto you, brother. Take it easy, brother. The nurse. You're the only one who loves me, Matt. The nurse, Baba, the nurse. I'm okay, Baba. I'm okay. You relax. You sure? Yeah, I'm fine. You relax now. Okay? दुखे मन मेरे सुन मेरा कहना जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना दुखे मन आपका पार्टनर मिलने को उसने आत्महत्या कर लिया साहब। कौन? का लेटर है। अच्छा तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं दोस्त? एक सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे समझने की कोशिश की। मेरे माता पिता से प्लीज माफी मांग लेना, मैं कभी उनका अच्छा बेटा नहीं बन पाया। और हाँ, वेदा जी से कहना मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बस कभी कह नहीं पाया। और राजू को मेरा थैंक्स जरूर बोलना, शायद उसी की वजह से मैं इतने दिन जी पाया। जाए लोगों को कुछ भी कहने दो यार, मगर तुम प्रणव का ख्याल रखना, बहुत प्यारा बच्चा है। अलविदा मेरे जाए, अब मैं अपनी मोनल के पास जा रहा हूँ। गुड बाय। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, हमारे प्रणव के बारे में इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं? Are we such bad parents? लोग हमेशा बेकार की बातें करते रहेंगे रेनू।
अब तुम ज्यादा मत सोचो, ओके? You know what's best for Pranav. I know, Siddharth. But it really hurts. तुम ज्यादा मत सोचो, ओके? चुपचाप सो जाओ. क्या बात है प्रणा? एक बात पूछूं? पूछो बेटा. श्याम अंकल ने ऐसा क्यों किया? पता नहीं बेटा, शायद वो अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते थे. जाओ बेटा जाओ, स्कूल जाओ. बताइए वेजी, क्यों बुलाया था हमें? आपके बच्चे ने, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप हमारे फैमिली मैटर्स में अपना दखल बंद कीजिए. एक मिनट मिस्टर सिद्धार्थ, आप सुन तो लीजिए वो क्या कहना चाहते हैं. अपने बच्चे की परवरिश कैसे की जाए, ये आपके बच्चे की परवरिश का नतीजा. अगर मुझे अपने मामा पापा के साथ नहीं रहना, वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते. अंकल आपने मुझे बताया था ना कि अगर आप किसी को लाइक नहीं करते और उनके साथ रहना नहीं चाहते तो डिवोर्स ले सकते हैं. मुझे अपने माँ बाप से डिवोर्स चाहिए अंकल, प्लीज अंकल. ये देखिए बेटी, अब जिस इंसान का साथ दे रहे हैं वही हमारे बच्चे को. जस्ट लीव हिम अलोन. ही इज अलोन. लोनली. मिस्टर सिद्धार्थ देख, डोंट यू अंडरस्टैंड? एक मिनट मिस्टर जैकी, देखिए आपके बेटे ने चिट्ठी लिखी है ना, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से गलती हो रही हो. प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए ना. आप हमें इसे समझाइए. आप उस बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और आप अच्छे इंटेंशंस के साथ एक अच्छे इंसान होने का फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन आखिर तो प्रणब उनका बेटा है, वो लोग उसके माँ बाप हैं, तो उन्हीं पे छोड़ दीजिए. इसका क्या मतलब है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं प्रणव, किसने सिखाया तुम्हें ये सब? वो बाजू वाले अंकल है ना? जवाब दो प्रणव, क्या तुम्हें अपने मम्मी पापा से डिवोर्स चाहिए? लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू. क्या तुम अपने मम्मी पापा से अलग होना चाहते हो? प्रणव, मम्मी पापा के पास प्रणव के अलावा है ही क्या?
कितना चाहते हैं मम्मी पापा तुम्हें, सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हैं ताकि प्रणव अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छे स्कूल में जा सके, अच्छे खिलौनों के साथ खेल सके। क्या कभी तुम्हें किसी चीज की कमी होने दी है? हाँ प्रणव, नहीं चाहिए मुझे ये सब। What is this, प्रणव? नहीं चाहिए मुझे ये सब। नहीं चाहिए मुझे ये सब। नहीं चाहिए मुझे ये सब। प्रणव, नहीं चाहिए मुझे ये सब। नहीं चाहिए मुझे ये सब। स्टॉप दीजिए। नहीं चाहिए मुझे ये सब। नहीं चाहिए। प्रणव, स्टॉप इट। Enough! Enough, Siddharth! क्या चाहिए? Sorry बेटा, मेरे मामा तुझे बहुत प्यार करते हैं, अब तुझे अलग नहीं हो सकता। राजू भाई, वो 50 लाख रुपए अपन के हाथ से निकल रहे ला। राजू भाई, आपकी वजह से उस दिन भी अपन का प्लान फेल हो गया। बस कर यार ये प्लान वन का चक्कर, मुझे नहीं चाहिए 50 लाख रुपए। राजू भाई डर गए क्या? अरे इतने दिन से अपन ये सपना लेके जी रहे हैं, अभी अब क्या बोलते हैं? राजू भाई इस बार अपन का प्लान फेल नहीं होएगा। बस अगर वो लड़के को कुछ हो गया ना तो मैं। राजू भाई बस क्या, राजू भाई इतना गुस्सा कहीं को, ये सब अपन आपके लिए तो कर रहे हैं। सुधर जा साले, सुधर जा। वो मेरा दोस्त श्याम, वो मरने से पहले वो प्रणव के बारे में इतना सोच के गया, और इधर तू साला वो बच्चे से ही पैसा कमाना चाहता है। हाँ तू इंसान है के जानवर है? इंसान है के जानवर? कितना पैसा चाहिए तेरे को? कितना चाहिए? ये ले, कितना पैसा चाहिए तेरे को? ये ले, बोल, उठा 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 और उठा। ये ले, ये ले, अगर वो बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं था। ये ले। प्रणव यहाँ बैठिए 10 मिनट। मिसेस जोशी प्लीज, आप भी मिसेस जोशी। घबराने की कोई जरूरत नहीं मिसेस जोशी, एवरी सिंगल चाइल्ड गोस थ्रू दिस, इसको अ सिंगल चाइल्ड सिंड्रोम। प्रणव को सिर्फ आपके अटेंशन की जरूरत है, उसे कभी भी अकेला मत छोड़ा कीजिए, किसी ना किसी चीज में उसका ध्यान लगाए रखिए, उसका डर दूर हो जाएगा। Why don't you do one thing? Get him a pet. It will keep him busy. Thank you. Thank you, thank doctor. You. Thank you so much. Okay. Thank you. क्या सोच रही हो? सिद्धार्थ, हमें प्रणव के लिए थोड़ा और वक्त निकालना ही पड़ेगा। हमें से किसी न किसी को घर जल्दी आने पड़ेगा, प्रणव के लिए अच्छा रहेगा। But you know the first 3 days of the week are very hectic, बहुत वर्कलोड आता है। I know. And Tuesdays are really bad for me because I'm anchoring my own show. तो क्या करें? तो क्यों ना हम लोग alternate days घर जल्दी आए करें? एक दिन तुम पहले और एक दिन मैं। I think that'll be good for all of us. Yeah, that sounds okay. Okay. क्या लेनो? Hello, Siddharth. An important meeting has just come up. पता नहीं कितनी देर लगेगी। क्या तुम जल्दी घर जा सकते हो? अरे इट्स नॉट पॉसिबल रेनू, आज तुम्हारा टर्न है। क्या एक दिन तुम एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? बट आई कांट कम यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाय। हाय प्रणव, क्या कर रहे तुम? कुछ नहीं मामा, बस बैठा हुआ हूँ। बेटा आई एम सॉरी,
मामा को आज थोड़ी देर हो जाएगी। ओके मामा। लेकिन मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर आऊंगी। यू लव पिज्जा डोंट यू? ओके मामा, पर आप कब तक आएंगी? जितनी जल्दी हो सके मैं घर वापस आऊंगी और फिर तुम और मैं बैठकर पिज्जा खाएंगे। ओके ओके। And keeping urgency of the situation in mind, the management has decided to send a team immediately to Iraq. Mr. Rahul, your team will be on the next available flight. Direct flights to Baghdad have been temporarily suspended, so you'll have to fly to Jordan. And from there, our liaison will take you to Baghdad. Be extremely careful and get a good story. Good luck. Good luck, everyone. प्रणव उठो। कमला, प्रणव ने कुछ खाया? नहीं दीदी। पिज्जा गरम करके प्लेट पर ला दो प्लीज। उठो बेटा। बेटा, मामा का जो फेवरेट पिज्जा चिली पनीर, थोड़ा तो खा लो बेटा। मुझे भूख नहीं है मामा, मुझे नींद आ रही है। खाना नहीं खाया मामा के लिए, थोड़ा खा लो। ओ मामा प्लीज। दीदी आप कुछ नहीं खाएंगे? नहीं, मुझे भूख नहीं। तुम खाना खा के सो जाओ। तुम एक दिन मेरे लिए एडजस्ट नहीं कर सकते थे? लेकिन आज तुम्हारा पहले आने का दिन था, राइट? लेकिन मैं मीटिंग में फंसी हुई थी, तुम जल्दी आ सकते थे। For God's sake, हम दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था जिसे मैंने नहीं तोड़ा। अग्रीमेंट? हम अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? घर पे बैठूं, बेबी सिटिंग करूं? That's not what I said. प्रणव, हम दोनों की जिम्मेदारी है। He is your son too. Let's set our priorities right. शादी के पहले हमने कुछ प्रायोरिटी सेट की थी। मुझे बच्चा नहीं चाहिए था, बट यू वॉन्टेड अ किड। तुमने कहा था कि तुम मैनेज करोगे। लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि तुम बिल्कुल भी मेरी मदद नहीं करोगे। लुक रीना, अपने करियर के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया। आई डोंट वांट टू स्लो डाउन। अगर तुम्हारा करियर है तो मेरा करियर भी है। आई एम वर्किंग जस्ट एज हार्ड एज यू आर। सो लेट्स फेस इट, ना ही तुम्हारे पास समय है ना ही मेरे पास। सो लेट्स पुट प्रणव इन अ बोर्डिंग स्कूल। ऑफकोर्स नॉट, आई कांट लिव विदाउट हिम। हमें शुरू में थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लेकिन प्रणव के लिए यही अच्छा रहेगा। मेरे कलीग का बेटा है, ही इज अ स्मार्ट किड। I am not going to put Pranav in a boarding school. No. मिलने जाते रहेंगे रेना। No. तो अपनी नौकरी छोड़कर घर पे बैठो। You are impossible to talk to, aren't you? तुम मर्द लोग अपनी responsibility से बच जाते हो, और अगर उंगलियां उठती है तो हम औरतों पर। I'm sorry. प्रणव, हम दोनों का बेटा है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर उसे समय दें। That's all. Please. For Pranav and my sake, please. Okay. I'll try.
looking so sad? कुछ नहीं। एक मिनट प्रणव, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्यों, क्या हुआ? मेरे पापा मामा मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं। क्यों, तेरे मामा पापा को ये स्कूल पसंद नहीं? स्कूल पसंद है, मैं पसंद नहीं। मैं तुम्हारे जैसी हूँ, इसलिए मैं दादी के पास रहती हूँ। मेरी तो दादी भी नहीं है। तू तो वो वाले अंकल है ना। अंकल एक जरूरी केस में बिजी है बेटा, अभी थोड़ी देर का मेरा साथ रुके साहब, चलो दिन का सेटलमेंट कर। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट अपने पति के क्रूरतापूर्ण अत्याचार की शिकार है, इसके बावजूद भी वो अपने पति के साथ रहना चाहती है, क्योंकि यही हमारी सभ्यता है, हमारा संस्कार है। जो कुछ भी कोर्टरूम में हुआ मिस्टर भाटिया मुझे बता चुके हैं। जी सर। प्रणव, डोंट वरी, अंकल विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तुम अभी स्कूल जाओ। जा। उसको छोड़ो, टीचर से बात करते हैं। नो प्रॉब्लम सर, आई विल टेक केयर ऑफ इट। चलो बेटा। आई होल्ड नाउ। या। रात को फोन करना। बड़ा जिद्दी बच्चा है, लगता है ये अब अपने माँ बाप के पास नहीं रहना चाहता। अनुदर्श, समझ भी नहीं आ रहा क्या? I'm really confused। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम बच्चे की मदद करना चाहते हो और साथ ही साथ उसे उसके माँ बाप से अलग नहीं करना चाहते हो। Exactly, sir। मुझे डर है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो कुछ उल्टा से करेगा। मुझे थोड़ा वक्त दो। Let me look into the provisions of the law. And I'm sure, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तो मुझे शाम को मिलना। Yes, sir. Thank you. Thank you. ये तो बहुत अजीब केस है यार। हाँ, मुझे लगता है हिंदू मैरिज एक्ट में इसका कोई प्रोविजन नहीं। नहीं नहीं, ये तो कस्टडी एक्ट में आ सकता है, लेकिन बदकिस्मती से द कस्टडी बैटल इज नॉट बिटवीन पेरेंट्स, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। अमेरिका में भी ऐसा एक केस हुआ था और जजमेंट भी बच्चे के फेवर में ही हुआ था। अच्छा, लेकिन ये इंडिया है दोस्त, यहाँ पेरेंट्स का हक ज्यादा होता है अपने बच्चों। यू आर राइट माई डियर। Excuse me for now. I'll call you later. Okay. We can proceed in the matter with respect to the Hindu Minority and Guardianship Act 1956. So you mean clause G of section 71B? Haan, padho. Father and mother are natural guardians of the minor child.
However, welfare of the minor child being of importance, the custody can be given to other. Exactly. तुम्हें इन्हीं grounds पर prepare करना होगा. The mental trauma that the child is being subjected to. Refer Parvat Kumar versus Dilip Pramanik, AIR 1997, Calcutta 326 judgment. लेकिन सर, parents इतने बुरे नहीं हैं कि मैं उन लोगों को. वो ठीक है, पर सोचो, ये बात सिर्फ एक बच्चे की नहीं है. हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से प्रणर हैं जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं है. भाई तुम इस केस को जीतो या हारो, पर उन पेरेंट्स को सोचने पर जरूर मजबूर कर दोगे. इट विल क्रिएट एन अवेयरनेस इन द सोसाइटी. हम अगर बच्चे को माँ बाप से अलग करना. हो सकता है ये कुछ ही समय के लिए हो, और ये भी हो सकता है कि इस दौरान उस बच्चे के मेंटल स्टेट में कुछ बदलाव आ जाए और वो वापस अपने पेरेंट्स के पास चला जाए. बट दिस सेपरेशन विल डू अ लॉट ऑफ गुड टू बोथ ऑफ देम एज दे वुड रियलाइज ईच अदर्स वर्थ. सर, बट व्हाट इफ ही गेट्स एन ऑर्डर? ओह डोंट वरी, ऑर्डर्स रिलेटिंग टू कस्टडी आर नॉट फाइनल बट आर ओनली इंटरलॉक्यूटरी इन नेचर. वो कभी भी बदले जा सकते हैं. थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प. माय प्लेजर. This book has all the information. All the best. क्या सिचुएशन है बाबा? मिस्टर एंड मिसेस जोशी. समझाया? हाँ, समझाया. कितनी बार समझाया, समझता नहीं. मैजिस्ट्रेट, सोसाइटी में विल क्रिएट अवेयरनेस. श्योर विल क्रिएट अवेयरनेस. बच्चे का क्या इमोशन, बच्चे का क्या, उसका छोटा हो खड़ा रहेगा. व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट मैन? इन द केस पर उसके बच्चे की मदद करें तो अपने माँ बाप को छोड़ दे. ही लूजेस हिज मदर एंड फादर. हेल्प नहीं करेगा तो शाम की तरह. क्या बोल रहा हूँ मैं यार? क्या करूँ ब्लैकी? Damned if I do, damned if I don't. क्या दुनिया हो गया यार? दिल बिल कुछ नहीं. क्या दुनिया हो गया रे बाबा? क्या दुनिया हो गया रे बाबा? किधर पैदा हुआ है? You son of a bitch. हमारे ही बच्चे को हमारे खिलाफ भड़का रहा है. अंकल की कोई गलती नहीं है. मैंने कहा था मुझे आप लोगों से डिवोर्स चाहिए. This is none of your business. Michael, come inside. Stop it. Please, please go in. Jabbar, Jabbar. Please, इन्हें अंदर लेकर जाइए. Please, Siddharth. Just. अरे बच्चे के हाथ से कोर्ट का नोटिस भिजवाते हैं. इसे क्या मालूम फैमिली क्या होती है? देखो रेणुका जी, मुझे भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है. मैं प्रणव की वजह से मैं मजबूर हूँ. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपके बेटे पर क्या बीत रही है. बहुत देर हो चुकी है. I'm sorry, I'm. ओपी नंबर 278 डेटेड 24 अप्रैल 2004 मास्टर प्रणव जोशी वर्सेस सिद्धार्थ जोशी द एप्लीकेंट सीक्स सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स. इस केस की पहली सुनवाई 28 अप्रैल 2004 को होगी. अदालत का आदेश है इस केस का फैसला होने तक प्रणव जोशी को एक चाइल्ड केयर सेंटर में रखा जाए. रेणुका जोशी जोशी, आप एक हाउस वाइफ है या नौकरी करती हैं? मैं नौकरी करती हूँ. कहाँ काम करती हैं और क्या? मैं एक टेलीविजन चैनल में काम करती हूँ. आई हेड द न्यूज़ डिवीजन. तो आपका कुछ टाइमिंग है? इज इट अ 9-to-5 जॉब? वेल इट डिपेंड्स. अक्सर सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक. लेकिन मैंने तो आपको कई बार बिल्कुल सुबह और देर रात को लाइव कवरेज करते हुए टीवी पर देखा है.
कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि किसी भी समय स्पॉट पर पहुंचना पड़ता है। यानी आपका जॉब इतना डिमांडिंग है कि कोई फिक्स शेड्यूल ही नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं। मिस्टर जोशी, कामकाज के सिलसिले में आपको शहर से ज्यादा वक्त बाहर रहना पड़ता होगा, नहीं जी? तो इसका मतलब आपके पास अपने बच्चे के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिलता होगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ही इज ट्राइंग टू इंड्यूस एन आंसर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। आई डू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माई सन, और वैसे भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही इतनी मेहनत करते हैं, और हमारा प्रणव हमें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। I hope you understand that. कमला जी, आप कितने साल से मिस्टर एंड मिसेस जोशी के यहाँ काम कर रही हैं? 5 सालों से साहब। अच्छा, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपके मालिक लोग प्रणव की अच्छी परवरिश नहीं कर पा रहे हैं? नहीं साहब, मैं बहुत घरों में काम किया, इस बच्चे को तो सभी कुछ मिलता है, फिर भी पता नहीं वो। That's all your honor. कमला जी, प्रणव की देखभाल की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई थी, क्या आपको लगता है कि आपने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई? हाँ, मैं तो प्रणव बाबा की इतनी अच्छी देखभाल करती थी कि उसको अपने माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। कमी? कमी का मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि प्रणव अपने माँ बाप के साथ कम और कमला के साथ ज्यादा वक्त बिताता था। ये पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर। थैंक यू। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। इस केस की अगली सुनवाई 20 मई 2004 को होगी। मिस्टर सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है कि ये डिवोर्स का थॉट आपके अपने बच्चे का खुद का है या उसको किसी ने भड़काया है? मिस्टर सिद्धार्थ, एज अ फादर, हाउ डू यू रिएक्ट दिस सिचुएशन? लुक मींस, रेणुका जी, आप खुद एक मीडिया पर्सन हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। We want our child, that's all. Excuse us. सर, एक सवाल, ये केस लड़कर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं अपना काम कर रहा हूँ एज अ लॉयर। सर, आपको नहीं लगता इस तरह का केस लड़कर आप बच्चों की पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं? छोटा बच्चा अपने माँ बाप को तलाक देना चाहता है, इस बारे में इस कोर्ट के इस फैसले पर हमारी V4U न्यूज चैनल ने पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए लोगों से बातचीत की, तो आइए सुनते हैं लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। माँ बाप उनके गलत हैं, अपने माँ बाप के पास रहना चाहिए। आपके हिसाब से एकदम सही कर रहा है? एकदम सही कर रहा है। नहीं, अच्छा तो नहीं लगता इन्हें। देखिए मैडम, पहली बात यह है कि मेरा बच्चा मुझसे तलाक मांग ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपने बच्चे की परवरिश पर बहुत ध्यान देते हैं। तो सब कुछ मिलता था, उसके बाद भी अगर वो बच्चे ने ऐसा किया है तो मेरे हिसाब से उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। Because he has asked for it, he should get a divorce so that it can be an eye opener for the whole world. श्री सिन्हा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं। सर, बच्चे का डिवोर्स पेरेंट्स से, ये तो कोई साधारणतया सोच भी नहीं सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे समाज में विकास होता रहा, परिवार टूटते रहे, तो मुझे लगता है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स की भूमिका है वो कहीं ना कहीं गौण हो गई। मुझे लगता है कि हमें अपनी संस्कृति की तरफ वापस जाना पड़ेगा। बच्चों की परवरिश में कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई इस प्रकार की परिस्थिति नहीं बननी चाहिए कि बच्चा जो है वो अपने माता पिता से अलग अलग अपने को महसूस करे, दूर अपने को महसूस करने लगे और दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर। मैं ये कहूँगा कि शायद अब पेरेंट्स को, माता पिता को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और ये नौबत नहीं है। मिस अनुपमा, क्या बता सकती है कि प्रणव स्कूल में कैसा स्टूडेंट था? बहुत अच्छा स्टूडेंट था, ही इज रियली अ डार्लिंग। कभी उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आपने देखा? पहले तो काफ़ी हंसता खेलता था, बट ऑफ लेट मैंने ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी चुप चुप रहता है। तो आपने उसके पेरेंट्स को तो बता ही दिया होगा? एक्चुअली मैं सोच रही थी कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग में मिलूंगी तो ज़रूर बताऊंगी, बट वो लोग कभी पीटीए मीटिंग्स अटेंड ही नहीं करते हैं। साहब, वो बहुत अच्छा बच्चा है, कभी कभी चाबी पूछने के लिए आता था, जब चाबी नहीं होता था तो रात तक बहरे ही बैठा रहता था।
बहरई मतलब बाहर। गेट पर हमरे संगे। ये पॉइंट नोट किया जाए ऑन। कहिए वेदा जी। जी सिद्धार्थ और रेणुका जी ने प्रणब की देखभाल की काफी कोशिश की, नौकरानी रखी, सब कुछ किया, लेकिन मेरे ख्याल से बच्चे के लिए इतना ही काफी नहीं है। मैंने उसे जब भी देखा अकेला ही देखा। नहीं, मैं इसके लिए माँ बाप को दोष नहीं देना चाहता, आखिर वो भी क्या कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने समझा इस बच्चे की दिमागी हालत के बारे में, मुझे लगता है कि इसे प्यार और देखरेख की सख्त जरूरत है। इसे ऐसी जगह रखा जाए जहाँ इसे लोनलीनेस और अ सेंस ऑफ अबंडेंट ना हो। पॉइंट बी नोटेड योर ऑनर। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मिसेस जोशी अदालत के सामने कुछ कहने की इजाजत चाहती हैं। प्लीज। प्लीज। मैं नहीं जानती आप कितने अच्छे माँ बाप हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि प्रणव हमारा बेटा है और हम प्रणव से बहुत प्यार करते हैं। आप प्रणव को हमसे अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप प्रणव को हमसे अलग। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स प्लीज। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर एंड मिसेस जोशी बाकी के वर्किंग पेरेंट्स की तरह ही हैं। अगर उनसे उनके बच्चे की देखभाल में जरा सी भी गलती हुई है तो यकीनन वो माफी के हकदार हैं। ये बात ध्यान में रखते हुए अगर उन्हें उनके बच्चे से अलग किया गया तो यह अदालत जनता के सामने एक गलत उदाहरण पेश करेगी। That's all you are. Your Honor, मेरे मुवक्किल मास्टर प्रणव की दिमागी हालत को देखकर जिस तरह साइकेट्रिस्ट ने भी बताया था, हमें उस बच्चे के बारे में सबसे ज्यादा सोचना चाहिए। उसे उसके पेरेंट्स से अलग करने में ना सिर्फ उसकी भलाई है बल्कि एक चेतावनी है उन सब पेरेंट्स की जो प्रणव जैसे ना जाने कितने मासूमों को मानसिक परेशानियों से बचाएगी। इस केस का फैसला 14 जून 2004 को सुनाया जाएगा। का फैसला सुनाने से पहले मैं प्रणव जोशी से कुछ पूछना चाहूंगी। प्रणव बेटे, तुमने देखा तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कितना प्यार करते हैं, तुम उनके साथ रहोगे? नहीं, मैं अपने मामा पापा के साथ नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहता। मुझे अपने मामा पापा से डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए। जहां एक और हमारा देश अपनी सांस्कृतिक अपनी पारिवारिक परंपराओं के लिए जाना जाता है, वहां प्रणव जोशी का यह केस अपने देश की समाज के बदलते चेहरे को दिखाता है। इस अदालत ने प्रणव जोशी के केस की गंभीरता को समझा, उसके हर पहलू पर विचार किया
यह अदालत प्रणव जोशी को अपने माता पिता से अलग रहने का हक देती है। प्रणव जोशी जब चाहे अपने घर वापस जा सकता है और ऐसे हालात में मिस्टर एंड मिसेस सिद्धार्थ जोशी को पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रणव जोशी की परवरिश करनी होगी। यह अदालत इस फैसले को एक महत्वपूर्ण फैसला मानती है और यह उम्मीद करती है कि हर माता पिता अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारियों को और अच्छी तरह से समझेंगे और उसे निभाएंगे। प्रणव जोशी के केस से वो सबक लेंगे और इसे एक मापदंड भी मानेंगे। फिक्र मत कीजिए मिस्टर सिद्धार्थ, हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। सरासर नाइंसाफी हुई है हमारे साथ। I'll tear them apart। मैं प्रणव को और दुख नहीं देना चाहती। वो जहां भी रहे खुश रहे। मैं जानती हूँ मेरा बेटा वापस आएगा। वो आएगा ना मिस्टर सिद्धार्थ? मुझे ऐसा लग रहा है कि मिसेस जोशी जरूरत से ज्यादा ही जज्बाती हो रही है। देखिए आप दोनों अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकते हैं, वो भी इस तरह? नहीं वकील साहब, हाई कोर्ट जाने से हमें प्रणव तो वापस मिल सकता है लेकिन हमें हमारा बेटा वापस नहीं मिल सकता। थैंक यू वेरी मच। ये कौन है? ये मेरे मम्मी पापा है। इनके फोटो पर माला क्यों लगाई है? क्योंकि जिंदा नहीं है। सलोनी ने अपने मम्मी पापा को कभी नहीं देखा। कितनी खुश थी। आपकी सुनवाई तो 10 लगती है। हम सोलमैन को भी उनके साथ छोड़ आए। You sure?
क्योंकि कौन है सिद्धार्थ? मैं आप लोगों से माफी मांगने आया हूं। मैं जानता हूं कि मेरे वजह से आप लोगों को काफी मानसिक परेशानियां हुई हैं। ये केस मैंने आप लोगों को दुख पहुंचाने या अपनी काबिलियत दिखाने के लिए नहीं लिया था, बल्कि आपके बच्चे की भलाई के लिए ली थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। I'm sorry. झूमते चले हमको मिल गए प्यारे प्यारे पल पल।